प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स के ऊपर और टेस्ट के ऊपर बात किया। वो जो टेस्ट थे बेसिकली पॉजिटिव टर्म की सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए थे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हुए इनफाइनाइट सीरीज में आज अल्टरनेटिंग सीरीज की बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है और उसकी कन्वर्जेंसी के लिए हम कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे पास। बेसिकली एक ही टेस्ट है हमारे पास में, दैट इज द लैबनी टेस्ट फॉर टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज। लेकिन हम अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंसी के ऊपर बात करें इससे पहले ये समझेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि वह ऐसी सीरीज जो कि इस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, a series in form u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus so on, ठीक है ना, where all un is greater than 0 and n belongs to capital N, ठीक है ना, for all n belongs to capital N students। यानी कि जो सीरीज है स्टूडेंट्स वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में अगर चलती रहे स्टूडेंट्स तो उस सीरीज को हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। और इसको शॉर्ट में कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट माइनस वन रस टू द पावर एन माइनस वन स्टूडेंट्स एंड यू एन स्टूडेंट्स। हम लोग इसे कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो n is equals to 1 पे हमें u1 मिलेगा स्टूडेंट्स, इट्स अ प्लस साइन, n is equals to 2 पे माइनस u2 एंड सो ऑन। तो अल्टरनेटिंग सीरीज कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि आप 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। ये एक अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट साइन के साथ चल रही है। 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 एंड सो ऑन, ये अल्टरनेट साइन के साथ चल रही है। 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये एक अल्टरनेट सीरीज है स्टूडेंट्स। तो पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म प्लस, चौथा टर्म माइनस, ऐसी जो सीरीजेस होती हैं उसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज। इस सीरीज के सारे पद जीरो से बड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ में चलते हैं। तो इस तरह की सीरीज को बच्चों अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है कब कन्वर्जेंट होती है कब डाइवर्जेंट होती है इसका पता हम लोगों को लैबनी टेस्ट से पता चलता है। तो आइए अब हम लोग लैबनी टेस्ट फॉर टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज के स्टेटमेंट को समझते हैं और देन इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मदद से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग लैबनी टेस्ट, जो लैबनीज थ्योरम भी है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, उसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि कैसे कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंस हो सकती है या कन्वर्जेंट हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो अल्टरनेटिंग सीरीज इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन ये है कि ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना, यानी कि अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से न्यूमेरिकली छोटा है। माइनस प्लस साइन यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो छोटी है आगे वाले टर्म की पीछे वाली वैल्यू से। तो यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि nth टर्म की जब हम लोग लिमिट लेंगे as n tends to infinite, then the limit is zero, then this alternating series is convergent, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो conditions कोई भी alternating series satisfy करती है तो वो एक convergent series होगी। पहली condition क्या है कि अगला term पिछले वाले term से numerically छोटा होना चाहिए। दूसरी condition n un term का nth लिमिट जो है n tends to infinite पे वो जीरो होना चाहिए। बाय चांस अगर मान लीजिए किसी अल्टरनेटिंग सीरीज में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सीरीज फिर कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की मदद से
ये जो लैबनिट्स थ्योरम है या लैबनिट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी है वो कैसे काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी कभी शॉर्ट आंसर में ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज कब कन्वर्जेंस हो सकती है, ये हम लोगों को इस लैबनिट टेस्ट से पता चलता है स्टूडेंट्स। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास में एक सीरीज है स्टूडेंट्स, सपोज दैट वी हैव एक सीरीज है 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 एंड सो ऑन, दिस इज नेगेटिव साइन। तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो सीरीज है ये कुछ इस तरह से है, इट्स अ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेस टू द पावर n यू एन, ठीक है ना। बल्कि यू एन की जगह मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, इट्स अ वन अपॉन एन स्टूडेंट्स, ठीक। ये कुछ इस तरह से काम कर रही है और यहां पर एन माइनस वन वन अपॉन एन, तो दिस इज इट्स एनथ टर्म। तो यहां पर जो एनथ यू एन है बच्चों, जो यू एन है उस यू एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, इट इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड वन बाय एन, दिस इज आर यू एन स्टूडेंट्स, ठीक है। बल्कि यूएन को यूएन तो ये होता है स्टूडेंट्स, समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट माइनस वन रेस टू द पावर एन माइनस वन यूएन। तो यूएन में नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहां पर यूएन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन है स्टूडेंट्स। और ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो यूएन है वो यूएन में जो यूएन प्लस वन है वो अपने पिछले वाले टर्म से छोटा है। इट मीन्स दैट यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन, यानी कि नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म से न्यूमेरिकली छोटा है। ऑल्सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन। ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स ये लिमिट जो है वो जीरो आती है और दोनों ही कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की स्टूडेंट्स। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज वाला टर्म यूज होना बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिकॉज अगर ये माइनस साइन ना हो तो ये सीरीज पहले जो टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उसकी मदद से डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज होने के कारण इसमें ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स वाई द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट स्टूडेंट्स। तो यहां से ये जो सीरीज आई बच्चों कन्वर्जेंट सीरीज आ गई। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग लैबनिट्स टेस्ट का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे एक सीरीज है स्टूडेंट्स, इट्स अ 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तो इट्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट माइनस वन रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स व्हाट, इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यस राइट। तो हम लोगों को ये इस तरह से आगे मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग सीरीज है स्टूडेंट्स, दिस वन स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं कि दिस इज आर nth टर्म, इट्स अ un एंड इट्स वेरी इजी कि यहां पर जो un प्लस वन है ये इट इज ऑलवेज लेस देन un, ये पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही रही है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 अगर हम लोग करें तो ये भी जीरो आता है। एंड बाय लैबनिट्स टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट स्टूडेंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लैबनिट टेस्ट की मदद से किया, इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को करना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और लैबनिट
टेस्ट को फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स. आइए देखें, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1. तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की हम कन्वर्जेंसी देखते हैं. और आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक खास चीज नजर आ रही होगी कि इस सीरीज का जो पहला टर्म है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, और दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, एंड सो ऑन. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, ऐसा हम लोगों को मिल सकता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें कि ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन थी उससे अलग हटकर है, तो पहले तो हम लोग इस सीरीज का एन यू एन टर्म निकालते हैं कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज. तो यू एन इज इक्वल्स टू तो आएगा बच्चों माइनस वन रेस टू द पावर एन और एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन, और यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स माइनस वन रेस टू द पावर एन प्लस वन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन स्टूडेंट्स. तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते स्टूडेंट्स कि जो अगला वाला टर्म है वो पिछले वाले टर्म से छोटा है कि नहीं है. तो पहले तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं अलग अलग कंडीशन में, बिकॉज यहाँ पर एक्स की डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंसी में. तो यहाँ पर आइए हम लोग सबसे पहले लैबनेट जो डीएलएम्बर टेस्ट है उसके लिए जो लिमिट इवेल्युएट करते हैं उसे इवेल्युएट करते हैं, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, ठीक. और मॉडुलस लेके करते हैं बिकॉज ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स इसमें ये अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, तो मॉडुलस साइन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स. तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड वी कैन से स्टूडेंट्स दिस इज माइनस वन रेस टू द पावर n x रेस टू द पावर n प्लस वन स्टूडेंट्स एंड अपॉन में n प्लस वन एंड इन टू माई स्टूडेंट्स इट इज n अपॉन माइनस वन रेस टू द पावर n एंड x रेस टू द पावर n स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं वो आप लोगों को दिख रही होंगी, ये सॉरी n प्लस वन ये कैंसिल. तो इट्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट माइनस एक्स, ठीक है ना, बल्कि माइनस वन को अलग कर देते हैं, ये माइनस वन इंटू एक्स अपॉन में इस n को नीचे ले आए स्टूडेंट्स तो इट बिकम वन प्लस वन अपॉन एन, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. वेन एन टेंस टू इनफाइनाइट दिस इज बिकम वन बिकॉज ये जीरो ये वन ये भी खत्म और वी विल गेट द मॉडुलस ऑफ एक्स. यानी कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी ये मॉडुलस एक्स के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि बाय डी एलम्बर्ट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन, डाइवर्जेंट इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, एंड टेस्ट फेल व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन. और मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए फिर दो केसेस हैं स्टूडेंट्स. पहला है x इज इक्वल्स टू प्लस वन, तो जब x इज इक्वल्स टू प्लस वन होगा स्टूडेंट्स तो ये जो सीरीज है हमारे सामने जो लिखी हुई है हमारे सामने कुछ इस तरह से होगी. क्या होगी, जब x इज इक्वल्स टू वन होगा स्टूडेंट्स तो वी विल गेट माइनस वन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर एंड माइनस वन अपॉन फाइव एंड सो ऑन. तो इस केस में स्टूडेंट्स जो अभी अभी हम लोगों ने कन्वर्जेंसी देखी थी एक सीरीज की उसमें बस ये प्लस का था ये माइनस का था तो साइन थोड़े से आगे पीछे हो गए, लेकिन हम देखें कि एक कि n इज इक्वल्स टू n टेंस टू इनफाइनाइट पे सीरीज का जो लिमिट है वो जीरो आएगा, यानी कि ये कंडीशन पूरी हो जाएगी इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल्स टू जीरो. और अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा है ही न्यूमेरिकली, तो इस केस में तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस वन स्टूडेंट्स. व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस वन स्टूडेंट्स तो उस केस में स्टूडेंट्स ये सीरीज वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर प्लस वन सारे टर्म पॉजिटिव होंगे. और हमने देखा है प्रीवियसली कि ऐसी कंडीशन में ये जो सीरीज होती है ये वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर इट्स अ डाइवर्जेंट सीरीज.
तो इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 पर तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 1 पर डाइवर्जेंट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब mod x इज लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, when mod x is greater than 1 the series is divergent, and when x is equals to 1 the series is convergent, but when x is equals to minus 1 the series is divergent student. yani ki open interval minus 1 to plus 1 ke andar to series jo hai wo convergent hai, lekin jaise hi hum log is interval ke bahar aate hain to hame series divergent milti hai, और x इज इक्वल टू प्लस 1 पर भी हमें सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट मिल रही है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट मिल रही है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया अल्टरनेटिंग सीरीज का स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें हम लोगों ने डीएलएम्बर टेस्ट का भी यूज किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने लाइबनिट्ज टेस्ट का की मदद से सीरीज की कन्वर्जेंसी, अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी को देखा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि लाइबनिट्ज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी भी यहां पर समाप्त होती है स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी के ऊपर बात करेंगे। लगभग हम लोग इस टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी वाले टॉपिक को खत्म कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हमने सारे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म के कन्वर्जेंसी के टेस्ट को देख लिया है। अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए जो एक लाइबनिट्ज टेस्ट होता था उसे भी हम लोगों ने देख लिया है, और अब हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी के ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आपकी कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।